अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी वसिरिल असरारी वसय्यदिल अब्रार। तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूकात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकाम काबा कोसैन और साहिब मकाम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सहर आज़म हूँ, मेरे साथ प्रोग्राम आप देखा करते हैं गुलहाय नाद। नाज़रीन, आज खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी के बहुत ही खूबसूरत अशार, बहुत ही मशहूर नातिया अशार, और जो हकीकत भी है ना सिर्फ अशार हैं, क्योंकि जाहिर है कि ऐसा ही होता है कि हमारी ही जो दिल की बात होती है जो हम नहीं बयान कर सकते, वो शायर हमारी जानिब से उसको अशार में प्रो देते हैं और ऐसी खूबसूरती से समोते हैं कि लगता है कि हमारी ही दिल की बात की जा रही है। तो लिखते हैं कि ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और आखिरी बात के बेदाम ही बिक जाते हैं बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाते हैं बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, और ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। इन्हें खूबसूरत अशार के साथ बढ़ रही हूँ प्रोग्राम में मौजूद मेरी मेहमान सना ख्वाह की जाने, बहुत ही बासलाहियत सना ख्वाह हैं। 2023 में जो मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नातिया मुकाबला ARYQ TV पर मुनक्किद किया गया, जैसे कि हर साल ही किया जाता है, मेरी ये सना ख्वाह 2023 में मुनक्किद होने वाले मुकाबले में इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा पड़ती हैं। कहकशां सुहेल मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम कहकशां। वालेकुम अस्सलाम, आपको खुश आमदीद कहूँगी। हमदे बारी ताला से आगाज़ करेंगे। La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, हस्बी रबी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, हस्बी रबी इल्लल्लाह।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। और आपकी आवाज़ की क्या उठान है, और माशाल्लाह कितनी हाई पिच पे आप पढ़ती हैं, नज़र न लगे। और माशाल्लाह बहुत उम्दा आगाज़ आपने प्रोग्राम का किया बेटा, और आगे भी ऐसी उम्मीद करूँगी कि माशाल्लाह ऐसे ही कलाम प्रोग्राम में शामिल करेंगे जब आपको मौका मिला है इस प्रोग्राम में आने का। तो बिल्कुल जनाब, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। मुझ खताकार इंसान मदीने में रहे मुझे खताकार सा इंसान मदीने रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझ खता याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात मदीने में रहे चुके काबे का काबा देखो जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे मुझे खता क्या कशा। माशाल्लाह ये नात बहुत ज़्यादा आजकल मशहूर भी है, पढ़ी भी जा रही है, और यकीनन मर्द सना खान तो उसको बहुत ही उमदगी से पढ़ते हैं क्योंकि ज़ाहिर उनका गला अलग होता है, लेकिन ख़वातीन सना खानों में भी मैंने माशाल्लाह जिससे भी सुनी है और अब आपसे सुनी है तो बहुत नज़र आ रहा है कि उसमें माशाल्लाह उसकी छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी मुर्गियों पर और जितना आपने उसको सजाया है या जो भी आपके उस्ताद हैं जिन्होंने आपको सिखाया माशाल्लाह, और आपने भी बड़ी मेहनत की, तो खुद ही मेहनत करती हैं, खुद ही उसमें क्रिएशन करती हैं, एडिशन करती हैं, या किसी को क्रेडिट देना चाहेंगी इसका, आपके कोई उस्ताद या आपके घर में से कोई आपको बताता है? मेरे उस्ताद हैं मास्टर सुमैर अहमद साहब, उनसे मैंने 6 साल ट्रेनिंग ली है। अच्छा, और अब जो 2 साल है मैं खुद करती हूँ। अच्छा, मास्टर सुमैर अहमद जो माशाल्लाह बहुत मशहूर मारूफ नाथ भी हैं, क्या बात है माशाल्लाह, उनके अपने पढ़ने के अंदाज की भी क्या बात है। तो चलिए जनाब बिल्कुल बढ़ते हैं फिर एक और कलाम की जानिब। दिल में किसी को रे बसाया ना जाएगा, दिल में किसी को
बसाया न जाएगा, जिक्रे रसूल पाक भुलाया ना जाएगा, दिल में किसी को रे वो खुद ही जान ले, जताया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे, जताया तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, मानेगा उनकी बातें खुदा हाश में नसीब, मानेगा उनकी बातें खुदा हाश में नसीब, बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाएगा, बिन मुस्तफा खुदा को मनाया न जाए, बसाया न जाएगा, दिल में किसी को रे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, खुदा की रज़ा चाहते हैं मोहम्मद, और मोहम्मद किसकी रज़ा चाहते हैं, मोहम्मद अपने अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। तो बहुत उम्दा कलाम आपने पेश किया, और प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्तिताम की जाने पे है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जाते जाते भी हम आपकी आवाज़ में एक और खूबसूरत नात प्रोग्राम में शामिल कर लें। बेटा मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, नबी किया आल से उल
अल्फत नहीं तो मर जाओ। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ। बेहतर है ऐसे जीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। सुनो है, सुनो वो आतिश दोज़ख में डूब जाता है। उतार दे जिसे नबी सफीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। माशाल्लाह क्या बात है। और कहकशां आपको भी देखकर और आप जैसी और बासलाहियत सनाख्वां जो अब आगे आ रही हैं उनको देख के अब यकीनन ये एहसास और ज़्यादा कवी हो जाता है नाज़रीन के ARYQ TV पर जो मिदत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला हर साल मुनाकिद किया जाता है वो यकीनन खाना पूरी नहीं होता। माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान से उसमें बासलाहियत सनाख्वानों को शामिल किया जाता है और नतीजा आप सबके सामने है। बहुत सी दुआएँ आपके लिए बेटा, इस मैदान में बहुत आगे जाएँ, बहुत नाम बनाएँ, इसी तरह मेहनत करते रहें, मेहनत करना कभी ना छोड़िएगा। बहुत सी दुआएँ एक बार फिर आपके लिए। तो नाज़रीन ये था मेरा आज का प्रोग्राम और आज के इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में एक और सनाख्वान के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सहर आज़म को इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम का इख्तिताम हस्बे मामूल हस्बे दस्तूर नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही करने की सआदत हासिल करेंगे। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो दर बड़ा हो दर बड़ा हो तो सवाली भी कड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी कड़ा सजता है। दर बड़ा हो दर बड़ा हो तो सवाली भी कड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है।